फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात होगी हमारे साथ हुई चीटिंग की। हम लोग कई बार दिसंबर और जनवरी को अपने गांव जा चुके हैं। पिथौरागढ़ में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी हम लोग ये सोचकर चले जाते हैं कि क्या पता हमें स्नोफॉल का लुत्फ उठाने को मिल जाए। कई बार तो ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है और सर्दी भी, लेकिन आज तक हमें स्नोफॉल दिखने को नहीं मिला। मतलब हम लोग दिसंबर और जनवरी को जाते हैं तब तो हमें स्नोफॉल दिखने को नहीं मिलती, लेकिन 3 फरवरी को पिथौरागढ़ में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई कि मैं क्या बताऊँ। मतलब हमारे साथ इतनी ज़्यादा चीटिंग कैसे हो सकती है। ये हमारा गांव है, यहाँ जमकर बर्फबारी हुई है। इन पहाड़ों को तो आप पहचान रहे होंगे, मेरे कई वीडियोज़ में दिख चुके हैं। ये गढ़ान का पहाड़ है और वो है चंदाल। क्योंकि हमारे गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है, किचन में लगातार काम होता है, हीटर और ब्लोअर चलते हैं, इसलिए बर्फ 5 से 6 घंटे में पिघल गई। इसलिए बर्फ का बेहतरीन नज़ारा देखना है तो हमें ऊपरी हिस्से में जाना होगा। तो चलिए लच्छेर की तरफ चलते हैं। स्नोफॉल के ये वीडियोस हमारे अंकल बसंत जोशी जी ने भेजे हैं। अभी जिस इलाके से कार गुजर रही है वो मढ़ भवन का इलाका है। भाई के साथ माउंटेन ट्रैकिंग वाले वीडियो में मैंने आपको ये इलाका दिखाया था। नैनीपाटल और सतगढ़ होते हुए अब लच्छेर पहुंच गए। यहाँ बड़ा फेमस मेला लगता है, लेकिन आज यहाँ बर्फ ही बर्फ है। हेलो दोस्तों, ये अभी हम हैं लच्छेर में। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार बर्फबारी यहाँ पर। और ये मेरे बच्चे थोड़ा घूमने को आए हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार नज़ारा लच्छेर मंदिर। और ये है दोस्तों लच्छेर का सुप्रसिद्ध मंदिर। और ये यहाँ पर बच्चे मस्ती करते हुए। इस बार हुई स्नोफॉल की ये भी खासियत रही कि इस बार पिथौरागढ़ के मेन टाउन में भी खूब बर्फ गिरी। आमतौर पर ऐसा होता था कि जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि लच्छेर, चंडाक, नैनीपाटल, ऐसी जगहों पर बर्फ़ गिरती थी। पिथौरागढ़ वैली यानी घाटी जैसी जगह पर बनाया है, इसीलिए इसे सौर वैली भी कहा जाता है। लेकिन इस बार तो पिथौरागढ़ में भी खूब बर्फ गिरी। इनको तो पहचान ही रहे होंगे, मेरे मामा। इन्हीं की शादी की कई वीडियोस मैंने अपलोड की थी। मामा हैं, मौसी हैं और साथ में मामी। शादी के बाद से अभी तक पिथौरागढ़ में ही हैं। अब तक की जिंदगी मुंबई में गुजरी, इसीलिए इन्होंने भी पहली बार स्नोफॉल देखा। अरे बर्फ देख ले, बर्फ गिर रही है भाई। नहीं पिथौरागढ़ शहर का हाल भी हमारे गांव की तरह ही है। बहुत सारे घर, इसलिए यहां बर्फ ज्यादा देर तक नहीं अटकी। तो ये लोग चंडाक गए। पिथौरागढ़ शहर के आसपास का सबसे हाईएस्ट पॉइंट चंडाक ही है। स्नोफॉल के बाद शहर के ज्यादातर लोग मस्ती करने यही जाते हैं, और इस बार भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। ये मैंने तो आज तक स्नोफॉल नहीं देखी है। हो सकता है कभी कश्मीर, मनाली, शिमला, धर्मशाला या फिर औली जाकर ही स्नोफॉल देखने का मौका मिले, लेकिन अपने घर पर स्नोफॉल देखने का तो अलग ही मज़ा होता है। उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग सर्दियों में अपने गांव जाएंगे तो हमें स्नोफॉल ज़रूर देखने को मिलेगी। आप में से किस किस के यहाँ पर स्नोफॉल होती है कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।